हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम रानी बायोलॉजी क्लासेस। राम रानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है प्लस टू क्लास के लिए है, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था पार्ट फोर, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो डीएनए है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है, और जो हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें एज कंपेरिजन टू डीएनए लेंथ, तो वो बड़ा ही गैप है वहाँ पे। तो बच्चों, बड़ा ही यू कैन से इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो लॉन्ग पॉलीमर है, जो डिफरेंट लेंथ का जो डीएनए होता है, हाउ इट विल गेट कॉम्पैक्टेड इन दिस स्मॉल साइज्ड न्यूक्लियस। तो बच्चों, लेक्चर में बने रहें, अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम यहाँ पर ये देखेंगे प्रोक्रियोटिक में, प्रोक्रियोटिक सेल्स में हाउ डीएनए इज पैकेज्ड एंड कॉम्पैक्टेड इन ए स्मॉल स्ट्रक्चर, एंड इन यूकैरियोटिक सेल हाउ दीज लॉन्ग पॉलीमर दिस डीएनए विल गेट कॉम्पैक्टेड और यू कैन से इन द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज अ न्यूक्लियस। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखिए बच्चों, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट इन व्हाट वे, इन हाउ वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए। अगर हमें बेस पेयर पता हो तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, अगर हमें लेंथ पता हो तो हम बेस पेयर्स निकाल सकते हैं। इस पर मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया था, उसका जो लिंक है मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। लेंथ ऑफ द डीएनए नाम से वो लेक्चर है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, द टोटल बेस पेयर इन ई कोलाई की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अबाउट 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स इनके अंदर होते हैं, और जो लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज 1.36 मिलीमीटर के लगभग यहाँ पर हो जाती है। अगर हम बच्चों बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की, जो डिप्लोइड 2N कंटेंट अगर हम लेते हैं, दैट इज अबाउट हमारे पास 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स एक डिप्लोइड सेल के अंदर होते हैं। और अगर लेंथ की बात करते हैं, इट इज़ अबाउट 2.2 मीटर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं 2.2 मीटर्स का मतलब अगर फीट में लें, इट इज़ राउंड अबाउट 6 फीट, लगभग 6 फीट के लगभग ये बन जाता है। तो आज बच्चों यही पढ़ेंगे कि इतनी लेंथ का जो डीएनए है वो एक स्मॉल साइज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। चलिए देखिए, द लॉन्ग साइज डीएनए इन स्मॉल एरिया, जैसे हम बात करते हैं अगर ई कोलाई की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर में ये लेंथ जो 1.36 माइक्रोमीटर है इसमें कॉम्पैक्ट हो जाती है, इसमें आ जाती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का साइज लगभग 5 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, और हम बात कर रहे हैं 2.2 मीटर्स का जो डीएनए है वो इस 5 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में कैसे आ जाता है, ठीक है ना। दीज आर एकोमोडेटेड ओनली थ्रू द पैकिंग और कॉम्पैक्शन। जैसे हम बच्चों जब भी हम टूर पे जाते हैं, हम अपने सारे जितने भी कपड़े होते हैं उनको हम अच्छी तरह से प्रेस करते हैं और एक बैग में फिल कर लेते हैं, लेकिन जब हम उधर से लौटते हैं तो वो कपड़े उस बैग में सेट नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि हमने उनकी पैकिंग प्रॉपर नहीं की होती। तो इसलिए यहाँ पर भी जो डीएनए है उसकी एक पैकिंग है, उसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म कर दिया है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज में वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। वही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। देखिए कैसे यहाँ पर डीएनए पैक्ड है, वो कॉम्पैक्ट हुआ है, और जिसकी वजह से वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स में एडजस्ट हो पाया है। देखिए डीएनए सभी को पता है कि इट इज़ अ एसिडिक स्ट्रक्चर, कि जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप्स, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच होता है, उसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। कॉम्पैक्शन अकर्स बाय फोल्डिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द डीएनए विद बेसिक प्रोटीन्स, कि जो हम पैकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों हुई, कैसे हुई, इट इज ड्यू टू यू कैन से कि फोल्डिंग हुई है डीएनए में, प्लस डीएनए का अटैचमेंट हुआ है किसके साथ, बेसिक प्रोटीन्स के साथ। वो कौन से हैं, नॉन हिस्टोन्स इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स और हिस्टोन प्रोटीन्स इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट। तो दो तरह के प्रोटीन्स हैं, तो जो हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, वहाँ पर वो नॉन हिस्टोन्स होते हैं और यूकैरियोट्स में वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटे, कि यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं, कि एक प्रोटीन ये है और एक प्रोटीन ये है।
ठीक है ना, और इसके अराउंड में ऐसे डीएनए कॉम्पैक्ट है, इसको सराउंड करता है। मीन्स ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये प्रोटीन है जिसको हम एनएपी बोलते हैं। एनएपी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। और ये जो प्रोटीन है ये क्या है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इसलिए इनका यहाँ पर फोल्डिंग और कॉम्पैक्शन इज पॉसिबल। देखिए, इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई थ्रू दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, हमें पता है कि उनका डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर जो डीएनए है वो सारे सेल में ऐसे होगा, नो दिस इज नॉट देयर। वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक रीजन में है कि अगर ये ई कोलाई है तो वो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होगा। तो वो क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दीज हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज हेल्ड विद द न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको हम एनएपीज भी बोल सकते हैं, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड। तभी हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड इसलिए बोला ना क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर डीएनए प्लस प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से हेल्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर स्मॉल एरिया। नाउ द डीएनए इज न्यूक्लियोइड एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लार्ज लूप्स यहाँ पर ऐसे बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसका कॉम्पैक्शन फोल्डिंग इज पॉसिबल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है फिर हमारे पास डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। देखिए यहाँ पर जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, यहाँ पर जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें जो मेनली दो अमाइनो एसिड रिच होते हैं, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है ना, ये जो दो ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके साइड चेन में पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखिए बच्चों, इन यूकैरियोट्स डीएनए पैकेजिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन्स, की बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं, एंड दे आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, कि ये दो अमाइनो एसिड हैं, इनकी जो साइड चेन होती है, मीन्स साइड चेन होती है इज पॉजिटिवली चार्ज, इनकी जो साइड चेन होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, दैट्स वाई जो हिस्टोन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड हम बात करते जो हिस्टोन्स हैं एंड डीएनए, दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पैकेजिंग होती है डीएनए में वो न्यूक्लियोसोम होती है, कि न्यूक्लियोसोम बनते हैं वहाँ पर, न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में वहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है। नाउ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम, कि जैसे मान लो सपोज एक न्यूक्लियोसोम ये है और एक न्यूक्लियोसोम ये है, यहाँ पर जो डीएनए होगा जो इसको कनेक्ट करेगा, इसको यहाँ पर लिंकर डीएनए के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, देखिए द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स इज कॉल्ड इंटरबीड, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरबीड मीन्स ये जो दो बीड्स को, एक बीड ये एक बीड या एक न्यूक्लियोसोम या एक न्यूक्लियोसोम, मीन दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए का स्मॉल सेगमेंट होगा उसको इंटरमीड, या हम इसको लिंकर डीएनए के नाम से यहाँ पर जानेंगे। नाउ न्यूक्लियोसोम एंड द लिंकर डीएनए, कि ये न्यूक्लियोसोम प्लस में जो लिंकर डीएनए है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्रोमेटोसोम कहते हैं। यू विल बी एबल टू सी हेयर, तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्रोमेटिन फाइबर को देखेंगे तो हमें बीड ऑन स्ट्रिंग हमें दिखाई देगा, कि एक धागे में बहुत सारी बीड्स लगी हुई हैं। अब ये जो बीड है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, न्यूक्लियोसोम को, और ये जो बीच का पार्ट है जो दो न्यूक्लियोसोम को या बीड को कनेक्ट करता है इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है ना, और इस लिंकर डीएनए को और बीड को मिला दे तो हमारे पास क्रोमेटोसोम यहाँ पर बन जाता है। तो आगे देखिए बच्चों, जो न्यूक्लियोसोम चेन है गिव्स ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर है वो ऐसे दिख रहा है आपको, बीड ऑन ए स्ट्रिंग, जैसे आप एक माला में देखते हैं ना, बीड्स एक धागे से परोई होती हैं, पिरो के रखते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ओके, जब हम बात करते हैं जो हिस्टोन्स हैं,
कि किस तरह से ये हिस्टोन्स मीन्स एक बीड के अंदर या एक न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल पांच टाइप के हिस्टोन्स होते हैं, जिसमें एक हिस्टोन का नाम है H1 जो सिंगल होता है, ठीक है ना। बाकी पेयर्स में होते हैं कि जैसे दो H2A होंगे, दो H2B होंगे, दो H3 होंगे और दो H4 होंगे, और ये सभी मिलके एक हिस्टोन ऑक्टामर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बना देंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियस। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो बीच का स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन्स। अब ये कोर ऑफ हिस्टोन्स का मतलब क्या हुआ कि अब ये जितने भी हमारे पास जो ऑक्टामर के जो हिस्टोन्स के टाइप्स हमने बताए हैं कि वो इस तरह से अरेंज होंगे कि हमारे पास जैसे ये एक हिस्टोन, ये दूसरा हिस्टोन, ये तीसरा हिस्टोन, ये चौथा हिस्टोन, फिर इसके नीचे एक एक और आ जाएगा ऐसे, मतलब ये टोटल आठ हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, हाँ ऐसे, और इसके अंदर दो इसके अंदर हो जाएंगे। मीन्स इस तरह से DNA है वो इनके ऊपर ऐसे रैप हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। मीन्स ये अंदर क्या है, मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि H2A है, ये H2A है, ये H2B है, ये H2B है, फिर ये हमारे पास H3 है, ठीक है ना, ये H3 है, ये H4 है और ये H4 है, और ये हमारे पास DNA हो गया। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे को कोर ऑफ हिस्टोन। तो इस तरह से एक हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ पर बन जाता है। ओके, नाउ दीज आर यूनाइट टू फॉर्म ए हिस्टोन ऑक्टामर कॉल्ड न्यूक्लियर बॉडी और कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो DNA रैप हो रहा है यहाँ पे, ये जो DNA पूरा रैप होता है, ये लगभग इसके 200 बेस पेयर यहाँ पर होते हैं, 200 बेस पेयर, ये पूरा का पूरा जो इससे लिपटा हुआ है न्यूक्लियोसोम कोर से। DNA अबाउट 200 बेस पेयर्स मेक्स 1.75 लेफ्ट हैंडेड टर्न ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ राइट हैंडेड टर्न नहीं है, ये लेफ्ट हैंडेड टर्न है ऐसे। राइट हैंडेड होता तो ऐसे होता है, लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड टर्न है, ठीक है ना। हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ द हिस्टोन कॉल्ड H1 अटैच्ड ओवर द लिंकर DNA। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये H1 एक्स्ट्रा लिंक भी जो बीच में लिंक करते हैं दो न्यूक्लियोसोम को, लिंकर DNA, ये लिंकर DNA है हमारे पास, लिंकर DNA, ये इस लिंकर DNA के साथ अटैच होता है फिफ्थ हिस्टोन्स। अब बात आती है बच्चों की, हमारे पास जो ह्यूमन मैमिलियन सेल है, ह्यूमन मैमिलियन सेल के अंदर कि ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। अब हमें पता है कि एक बीड के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं, और हमें टोटल बेस पेयर्स पता है कि कितने हैं बेस पेयर्स हमारे ह्यूमन DNA के अंदर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी सच न्यूक्लियोसोम्स आर देयर और हाउ मेनी सच बीड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन DNA। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, हाउ मेनी सच बीड्स और न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमिलियन सेल, कि ऐसे कितने बीड्स और न्यूक्लियोसोम ह्यूमन DNA के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसको निकालने क्या है कि हमें पता है बच्चों कि 200 बेस पेयर्स कितने होते हैं एक बीड में, या एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर हम ये मान लेंगे कि 6.6 × 10^9 बेस पेयर हमारे टोटल ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसमें कितने होंगे, तो 1/200 × 6.6 × 10^9 बेस पेयर। तो हमारे पास जो टोटल आता है 3.3 × 10^7 बेस पेयर्स के लगभग आ जाता है, और अगर हम इसको मिलियंस में देखें, इट इज़ अबाउट 30 मिलियन बीड्स ये हमारे जो मैमिलियन सेल है इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों ये तो था कि हमारे पास जो क्रोमेटिन फाइबर है या जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो फर्दर जब इसका कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन होता है, जब हम मेटाफेज स्टेज में देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कॉम्पैक्शन के दौरान एक क्रोमोजोम की शेप ले लेता है, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है जिनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं। नाउ जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, एक्चुअली जब हम बच्चों बात करते हैं कि जो क्रोमेटिन है, कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो बीड्स हैं दे आर यू कैन से बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, कि अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है, और क्रोमेटिन फाइबर जब कॉम्पैक्ट होता है कंडेंस होता है और वो एक क्रोमोजोम की शेप ले लेता है, कैसे कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये बनता कैसे स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो DNA है
वो कंपैक्ट हुआ है इस तरह से, इस तरह से, ये बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म, ये कॉम्पैक्शन आ गया यहाँ पे इस तरह से कि अंदर क्या है, जो डीएनए फोल्डेड हो गया है और कॉम्पैक्शन आ गया है, ठीक है ना। तो ये एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है एट मेटाफेज स्टेज, कि मेटाफेज स्टेज में कंडेंसेशन है, पैकेजिंग होती है, और जो क्रोमेटिन फाइबर है वो एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो जब द पैकेजिंग एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, कि यहाँ पर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए जिनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली रेफर्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन इनको हम कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग बिहेवियर ए टिपिकल न्यूक्लियस क्रोमेटिन इज ऑफ टू टाइप्स, कि जो हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। कि जब हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन की हम बात करते हैं तो इनको हम स्टेनिंग प्रोसीजर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए बच्चे, जो यूक्रोमेटिन है इट स्टेन्स लाइटली, ये बिल्कुल लाइटली स्टेन होता है, और अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं डार्कली स्टेन होता है। ओके, नाउ दिस क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड एंड दिस क्रोमेटिन इज मोर डेंसली पैक्ड। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेंसली पैक्ड है, क्या हो गया, डेंसली पैक्ड है, और यहाँ पर ये लूजली पैक्ड है। मीन्स अगर ये डेंसली पैक्ड है तो ये पर्टिकुलर रीजन क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लूजली पैक्ड होंगे, जैसे लूजली पैक्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। ओके, अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं, दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, मीन्स डीएनए हमारे पास है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और लास्ट पॉइंट है रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट अर्ली एस फेज एज इट टेक्स लेस टाइम टू अनवाइंड। कि जब हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, हम इस यूक्रोमेटिन की बात करते हैं, यहाँ पर जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो बहुत जल्दी, मीन्स अर्ली एस फेज में, एस फेज होता है बच्चों सिंथेटिक फेज, जहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए डबल होता है, अपनी कॉपीज तैयार करता है, रेप्लिका बनाता है, उसको हम एस फेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये अर्ली एस फेज में स्टार्ट हो जाता है यूक्रोमेटिन एरिया में, लेकिन यहाँ पर ये लेट एस फेज में होगा, क्यों, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है तो ये अनवाइंड होने में ज़्यादा लॉन्गर टाइम ले लेता है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट लेट एस फेज एज इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू अनवाइंड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा हमारा दैट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीएनए, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।